नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे आरजेडी नेताओं के घर में जो रेड पड़ रही है उसके कारणों के बारे में। बिहार में इन दिनों सियासी घमासान के साथ साथ सीबीआई को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। बता दें कि आरजेडी नेताओं के घर में चल रही छापेमारी के बाद से राजद नेताओं के बीच में खलबली मची हुई है। बता दें कि सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं के करीब 25 ठिकानों पर छापा मारा है। इन राजद नेताओं में 2 राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। इनके घर पर सीबीआई ने दस्तक दे दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजद के पूर्व विधायक और राजद के फाइनेंसर रहे जाने वाले अबू दोजाना के घर पर भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के एक मॉल में भी सीबीआई का छापा चल रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो एक समय लालू यादव के करीबी रहे सुभाष यादव के घर पर भी सीबीआई की दस्तक दे दी है। बिहार के साथ साथ झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है, जिसमें कई अहम कागजात मिलने की बात कही गई, साथ साथ कई सामान मिलने की भी बात कही गई है। राजद के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के आवास पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इनके विश्वविद्यालय के कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ कटिहार में भी इनके समर्थक सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की संपत्ति गुरुग्राम के एक मॉल में होने की बात कही गई, जिसके बाद से उस मॉल में भी छापेमारी चल रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला, जिसके बाद रोहिणी ने लिखा है कि बलात्कारी पार्टी फ्लोर टेस्ट से पहले ही निष्ठा पे आ गई। इसके साथ साथ मधुबनी के राजद के सांसद फयाज अहमद के घर पर सीबीआई ने सुबह 7 बजे ही छापेमारी की है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजद के अपने विधायकों के लिए जो है विहिप जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान वे विधानसभा में उपस्थित रहें। इसके साथ साथ राजद के एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर पर भी सुबह सुबह छापेमारी हुई, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनके यहाँ से भी कई अहम सुराग मिलने की बात कही, लेकिन सुनील कुमार सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके घर पर एक एक पाई का हिसाब है। ऐसे में देखना है कि किसकी इस पूरे प्रकरण में किस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। आइए अब समझ लेते हैं आखिर बिहार में इतने जगह पर क्यों चल रही है छापेमारी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राजद नेताओं के साथ चल रही छापेमारी में इस बात का दावा किया जा रहा है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले में जमीन लेने का मामला सामने आ रहा है, साथ ही साथ पैसे लेने का भी जिक्र किया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे प्रकरण में राबड़ी देवी के आवास पर पहले ही छापा हो चुका है। इस पूरे केस में लालू यादव, मीसा भारती और हेमा यादव का नाम है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लालू यादव के करीबी रहे भोला यादव को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में आईआरसीटीसी मामले की भी जांच चल रही है। आईआरसीटीसी मामले में जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि आईआरसीटीसी के जरिए रांची और पूरी में 2 होटलों के संचालन में अनियमितता बरतते हुए ठेका सुजाता होटल्स को दिया गया। इसके एवज में होटल के मालिक विनय और विजय कोचर ने लालू यादव को पटना में 3 एकड़ जमीन दी थी, जो कि बेनामी संपत्ति थी। ऐसे में बिहार में जो हो रही छापेमारी है इन्हीं नतीजों का बात कहा जा रहा है, यानी कि इसी तरह के घोटाले का जिक्र किया गया है। 2 अलग अलग चीज़ें थी, रेलवे में नौकरी देने के नाम पर संपत्ति अर्जित करना और दूसरा आईआरसीटीसी घोटाला का यह पूरा मामला। 2 अलग अलग मामलों में बिहार में जो है लालू के करीबी नेताओं के पास जो है छापेमारी चल रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।